वोकल की पीठ भी बहुत अच्छी आ रही है। जा रहे हैं ब्लफर पार्क, ब्लफर्स पार्क बीच। थोड़ा लेट हो गया जाने में, बट चलो ये आगा फाटक। अच्छा अच्छा, ये इसी से जाती होगी वो ट्रेन में। ये है, हाँ जी हाँ जी, ये बंद होता भी है। हाँ मैंने देखा हूँ। अब हम जा रहे हैं नवकिरण। जब बोलना होता है ना तब एकदम दिमाग में नहीं आता, अरे मैडम जी और ये बाऊजी। और मैंने पहन लिया हुड्डी, ये कह रहे हैं कि बर्फ गिर रही है वहाँ पे। पापा जी को तो वहाँ पे पहले भी कूल कूल ही लग रहा था। ये वाइफ को इतनी दूर जाना आठ बजने वाले हैं, 7:56 हो गए और यहाँ का बाहर का उजाला ऐसा लग रहा है कि जैसे दोपहर का हो। यहाँ 10 बजे के करीबन, 10:45 के करीबन अंधेरा, थोड़ा सा अंधेरा होता है। नॉर्वे बना हुआ है दूसरा, आगे रख दो ना पापा जी, आप ऐसे अपने आप भी तो एंजॉय करोगे, उसी में ही देख रहे हो आप। आगे कैसे रखूं, मतलब ऐसे थोड़ा आगे कर लो। अरे यार मैं वो भी लाना भूल गया, वो हैंड से वो करने का, वो यहां से पकड़ के वो सामने ऐसे, मतलब मैं कह रहा हूं आप खुद भी तो देखो व्यू। अभी देखो आगे पानी है सारा। अच्छा आगे सारा पानी है। चलो फिर मार लो यू टर्न में। ओ यू टर्न, खुला हुआ हो तो ही जा पाएंगे हम। अभी भी बंद का चक्कर है। बीच यॉट्स, देखो यॉट्स। अभी तो खुला ही है यहाँ पे, ये ही बंद होता है, इसने बंद करा होता है यहाँ पे बैरिकेड्स। तो अभी खुला ही है गर्मियों में। ये इतना वरना पैदल चल के जाना पड़ेगा। बहुत अच्छे लग रहे हैं, घने घने वाले ग्रीन ना, ऐसे घने से। बीच 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 पार्क, अरे बीच
ग्यारह बजे बंद होगा गेट। हाँ तो बस फिर ग्यारह बजे से पहले आना है बेसिकली हमें। हमने ग्यारह बजे दो बजे रहे हैं, आठ बज रहे हैं, एक घंटा बैठ के नौ बजे निकलने को। ठीक है, इतनी बड़ी सड़क है उसमें भी लोगों को दिक्कत हो रही है लेन में चलाया। पेड़ की नहीं है बात, ये पे होनी होती नहीं है, यहाँ लगाऊं या आगे लगाऊं पता नहीं भाई, मैं भैया से पूछ लूँ कि कितना चलने। यही तो है बीच ही है, इसके बाद और कहीं भी लगा दो। एक तो बहुत ही पार्किंग वो ऐप नहीं डाउनलोड करी थी आपने? ओहो पोर्श गाड़ी थी हम आ गए हैं ब्लफर्स पार्क में, और ये सामने नामू, अच्छा मैडम, बच्चे नवकिरण सब सामान निकाल रहे हैं शायद। फ़ोन भी नहीं लाया अपना? अच्छा मैंने बोला था अपने अपने फ़ोन उठा लो। ओ तेरी बंद हो जाएगी। ये यहाँ की ब्लफर पार्क की पार्किंग है। ले बेटा कार से, मेरा कार टच कर। नहीं टच का है ही नहीं, देखना तो है होगा, करना कैसे पहले वो देखना। हम आ गए हैं ब्लफर्स पार्क, मैंने कितनी बार बता दिया पहुंच गए। मैं कहा हम आ गए ब्लफर पार्क, मैंने कहा खुद ही बोल रहा, कितनी बार बता दिया अब हम पहुंच गए। पहले जा रहे थे, जा रहे थे, अब हम पहुंच गए। ये कौन बोलेगा इसको लेक है ना? वही तो कह रहे थे, प्रॉपर समुद्री है। अरे जो यहाँ तक, यहाँ तक जो है ये आ रखा है रेता, तो यहाँ तक पानी आता होगा कभी? नहीं, ये तो वैसे भी लेक है, इसमें वेव्स का तो ज्यादा कोई लॉजिक है नहीं। नहीं मेरा कहने का मतलब यहाँ तक साइड होती है, पर बहुत छोटी सी साइड होती है। ये वैसे ही बीच है, अरे पापा जी की वीडियो तो बना निकलो मेरे फोन से। जिस दिन मेरा चैनल चल पड़ेगा ना, तुमको सबको डिलीट मारूंगा मैं यहाँ से। आउटर रेडिक बना रहा हूँ। हम बना रहे हैं यहाँ पर पिकनिक। जोर से बोलना पड़ेगा, माइक नहीं लाया। सेल्फी, 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 सेल्फी,
सेंटर। बोलो भाई बोलो। गूगल की पीठ भी बहुत अच्छी आ रही है। तो मम्मी की कुछ को जगह ही नहीं है। और दूर रखो तो पूरे कवर हो जाएगा। उठना किसको पड़ेगा? मैं उठती हूँ। क्या करना? पीछे जाना? थोड़ी सी पीछे जाके मैं बताऊंगा पूरा आ रहा है। बहुत आप सारे कवर हो गए। समोसा पार्टी ये आपने मैं तो पहले ही परेशान है। वो पापा जी तुम को तू भी आ रखा है ना? हमने एक ब्रेड खिलाई उसके बाद इतने नकली है वो फूड चल रही है सर। हाँ तुम तो रोज ही करते हो ये काम। ऐसी नहीं होती स्पीकर लाते गानों मोबाइल से बात करेंगे। मोबाइल में मजा नहीं अगर जितना आप तक होंगे तब तो हो जाएगा। पैसे पैसे के स्पीकर ले रखे इतना बड़ा भूल ही गए देखा क्या। यहाँ पे अब जैसे ये हो गया कवर कर लिया इसके बाद इस पर टाइम टाइम लैप्स लगा इसके बाद कवर कर लिया और ये ऑफिस काम करने वाला होता है खट्टा कर खट्टा कर काम कर रहा है। खरीदी कर रहे थे सबका पूरा पूरा सामान देख रहा होगा तो मैं एक बिकनी पहन के चढ़ जाऊंगी। इमेजिन तो कर लिया मैं। अरे बस हाँसी मैंने तक ड्राउन है सपने आएंगे मैंने आने से बीच में नहीं आएंगे सब। वो बंदा हो सकता है किताब पढ़ रहा हो लोगों को शौक होता है बीच में किताब पढ़ने का पर इतना भी पागल नहीं है किताब पढ़ने का शौक होता है किताब ले आता है आजकल किंडल वगैरह ये वाली चटनी ठीक है खाने के लिए उसका कहीं स्वाद खराब ना हो जाए। तो पता है गॉर्डन रैम्सी हो गए अभी और भी पड़े उसमें अभी इसमें छः और छः सात और पड़े तो ना खाओ उसके लिए तो मम्मी जी को बोलना चाहिए कि मत खाओ। नहीं तो मम्मी जी को बोलो कि मत खाओ मम्मी जी का पेट भरा रहेगा तो बस फिर दाल मैंने बना रखी दाल आज कुछ ना कुछ खिलाई दिया
देखो बड़े पत्थरों पर जाने, बड़े पत्थर पे वैसे भी एक्सेस है, ये कंस्ट्रक्शन की वजह से पड़ता है, तो मुझे पता ही है कंस्ट्रक्शन ही तो बोल रहा हूँ, वहाँ से वो बैरियर तोड़ रखा है ना, तो वहाँ से पत्थर जा रहे हैं। बस देखो अब टाइम आ जाना है, उसको मोटा मोटा सब कुछ होने लग गया, तो मैं जिम जाऊँगा। तो गाड़ी है, गाड़ी में जाऊँगा। और नामो उसको फोल्ड कर ले। इसमें कितना ब्राइट दिख रहा है, वैसे इतना ब्राइट नहीं है। देखो वो है ये फोरिक प्रो मैक्स का फ्लेम। ये हम आ गए हैं डाउनटाउन, मिड डाउनटाउन, मिड टाउन। यहाँ पर देखो नीलम कर्मास किचन, मतलब काफी है यहाँ पे इंडियन। अरे कर्मास, अच्छा यहाँ पे है। ये जेराड स्ट्रीट है बेसिकली, ये पूरे इंडियन स्ट्रीट है। अच्छा 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 अच्छा, न्यू फेमस इंडियन, तभी लगाई गाड़ी है यहाँ पे ऐसे। क्या चीज, साइडों में पार्क, मतलब फील तो वही आ रही है ना, एकदम इंडिया वाले। ये पूरे इंडिया फील है, बहुत पुराने पुराने। सोना चांदी, मुंबई पान, सोना चांदी। अरे ये मैंने अभी कुछ दिन ही अभी उसमें देखे यूट्यूब में, ये मुंबई पान लीला इंडियन फूड। देखते रहो, मैं तो आगे ही देख रहा हूँ। तो तू अपनी गाड़ी पे ध्यान दे। मैं वही बोल रहा हूँ, आप लोग देखते रहो। नान कढ़ाई एंड बारबेक्यू, भाई साहब यहाँ पे जिसने आना हो तो पेट ही पेट। यहाँ पे वो आया ना अनमोल, तो वो बोलता खाना नहीं मिलता, इंडियन रेस्टोरेंट नहीं मिलते। मेरा फ्रेंड यहीं पे एक उसमें रेस्टोरेंट में भी काम करता है, गौतम आज करके आएगा आगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मैंने ना ये अरे भाई कहां से कूद रहे हैं लोग इधर उधर। मैं ये बाहर बैठे होते ना, इस तरह क्या बोलते हैं, पैटियोस बोलते हैं। पैटियोस जी, मैक्सिमम इटली फ्रांस लंदन जो दो दो गलियां होंगी ना, उनके बीच में बिल्कुल गलियों में सड़क में लगा देते हैं। ये तो अपने कॉस्मोस के साइड में जो नातो है उसमें भी लगा रखे हैं आजकल। वो तो फुटपाथ से में लगा रखे, वो नहीं, वो नहीं मजा आता, वो नहीं मजेदार बात। मैक्सिमम ये क्या बोलते हैं कोलंबिया, उस वहां का वीडियो देखो, वहां पे रहते हैं नाइट स्ट्रीट। तो ये सिटी लाइन देखो, सारी टोरंटो की बिल्डिंग इसके इधर आसपास ही तो, वो भी ना क्या बोलते हैं 4 से 6 के बीच में नो पार्किंग है अभी कहीं। डू नॉट, इधर नहीं है कोई ज़ेबरा क्रॉस।
पर बड़ा डलान है, गिरी जाए। बोल रहा है सैर करने करो चलो। स्लाइड ही ना मार देंगे। चश्मे पहने हुए ना मेरे को, आज अलग ही क्रिस्टल क्लियर से दिख रहा है। ग्लफर पार्क के बाद हम गए रिवरडेल पार्क। यहाँ से सामने डाउनटाउन का एरिया बहुत साफ दिखता है, सीएन टावर भी आपको दिखने को मिलेगी। थोड़ी सी फोटोग्राफी, मैंने 5 मिनट भी यहाँ नहीं रुके होंगे। एकदम ज़्यादा बरसात हो गई, हवाएं चलने लग पड़ी है, बरसात आ गई, फिर हम थोड़ा सा वापसी की तरफ निकल गए। अब आप आगे देखेंगे कि बहुत ज़बरदस्त बारिश हो गई, थंडर स्टॉर्म ही कह सकते हैं उसको। और बड़ी मुश्किल से, ये देखिए आप अगर स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अभी हमें स्कारबोरो जाना है और नामो जी चला रहे हैं गाड़ी। एक्सपर्ट तो वो हो ही चुका है लेकिन फिर भी विजिबिलिटी काफ़ी कम है और गाड़ी काफ़ी तेज़ बढ़ा रही है भाई साहब। तो आज के हम इस वीडियो को थोड़ी देर बाद अब यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। जितने भी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे तो बने रहिए चैनल के साथ। कनाडा की और वीडियोस आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम इसको वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। टेक केयर। और ये देखिए यहाँ की जो गाड़ियाँ, आप इस तरीके नंबर ले सकते हैं, लव यू करके नंबर लिया हुआ है। और गाड़ियों का रश भी काफ़ी है यहाँ पे इवनिंग के टाइम में। बरसात में थोड़ा सा और जाम टाइप से हो सकता है कि आगे यहाँ रास्ता बन रहा है तो इसलिए थोड़ा सा जाम भी लगा हुआ है। हम स्लो स्लो चल रहे हैं। चलो अब इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स।